फर्स्ट बटन को क्रिएट करने के बाद अब बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी बटन्स को भी क्रिएट करेंगे। मैं कंट्रोल के अंदर जाकर अपने लिए एक और बटन चूज करता हूं और यहां से रिकॉर्ड नेविगेशन में जाकर अब मैं बेसिकली गो टू लास्ट रिकॉर्ड के ऑप्शन को यानी एक्शन को सेलेक्ट करता हूं नेक्स्ट। और मुझे यहां पर भी पिक्चर चाहिए, पिक्चर किस तरह की चाहिए वो हम ले सकते हैं, और अगर टेक्स्ट चाहिए तो हम टेक्स्ट को भी कौन सा टेक्स्ट चाहिए वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर उसी लिखे हुए टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, देन नेक्स्ट और फिनिश करते हैं तो हमारे पास ये एक नेक्स्ट बटन क्रिएट हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक ऐसा बटन चाहिए था जिस पर पिक्चर चली हुई हो, तो हम दोबारा से एक्शन बटन में जाते हैं और यहाँ से एक अगेन विजर्ड की मदद लेकर लास्ट रिकॉर्ड का एक बटन क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा सेकंड बटन क्रिएट हुआ। इस बटन की अलाइनमेंट के लिए एक तरीका तो ये है कि आप अपने माउस के जरिए इसको मूव कर रहे हैं, मौजूद होती है उनकी मदद देते हुए आप इसी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। इसी तरह से बारी बारी हम बाकी दोनों और बटन को भी यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। ये हमारे चारों बटन जो है वो क्रिएट हो गए। देन मैं चाह रहा हूँ कि रिकॉर्ड को सर्च भी किया जाए, तो इसके लिए मैं रिकॉर्ड नेविगेशन में जाकर यहाँ से सर्च का एक बटन बना लेता हूँ लाइक फाइंड मैक्स या फाइंड रिकॉर्ड। और मैं चाह रहा हूँ कि मजीद अगर इसमें कुछ ट्रिगर्स हैं तो उसको यूज किया जाए, जैसे कि अगर मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ तो रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाकर डिलीट रिकॉर्ड के ऑप्शन को चूज किया, यहाँ से मैं रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर मैं लाइक सेव करना चाहता हूँ रिकॉर्ड को तो हम सेव के बटन को क्रिएट करते हैं, और अगर मैं कोई ऐसा बटन जिससे मैं अपनी एप्लीकेशन को फॉर्म को जो है वो क्लोज कर सकूं तो मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ जिससे मेरा फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाएगा। देन उसके बाद रिपोर्ट्स वगैरह भी हमने बनाना नहीं सीखी है तो इसलिए हम उसको यूज नहीं करते, और अगर मुझे एक्सेस को अपने क्विट करना है तो मैं यहाँ से क्विट का बटन सेलेक्ट करके एक और बटन क्रिएट कर सकता हूँ। नाउ फाइनली ये सारे बटन मेरे क्रिएट हो गए और बटन की अलाइनमेंट को हम थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल एक्यूरेट रहे जितना फॉर्म है हमारे पास। फाइनली अगर मैं इन तमाम को रन करना चाहता हूँ तो मैं व्यू में जाकर फॉर्म व्यू की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। अब देखें मैं लास्ट रिकॉर्ड पे जा सकता हूँ, फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकता हूँ, प्रीवियस रिकॉर्ड पे जा सकता हूँ। किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है तो हम सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं, लाइक मैंने कहा कि अली के रिकॉर्ड को सर्च करें, फाइंड किया, देखें वो रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। इसी तरह से मैं कहता हूँ मोहम्मद के रिकॉर्ड पर सर्च करें, ये देखिए मोहम्मद का रिकॉर्ड हमारे पास उसने सर्च करके दिखा दी। तो हम रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं, हम कोई रिकॉर्ड अगर डिलीट करना चाहें तो हम डिलीट कर सकते हैं, कहता है आर यू अबाउट द डिलीट रिकॉर्ड वन, हम कहते हैं यस। इकबाल का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया होगा, हम उसको चेक कर लेते हैं। ये देखते हैं जैसे ही मैंने इकबाल के रिकॉर्ड को सर्च किया तो कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हैज फिनिश्ड सर्चिंग द रिकॉर्ड, यानी इसके पास अब वो रिकॉर्ड नहीं है। देन हम कोई भी न्यू रिकॉर्ड अगर ऐड करते हैं तो हम उस फाइल को सेव कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन को अगर फॉर्म को बंद करना है तो हम क्लिक कर सकते हैं, कहता है कि इसको सेव करना है, हम कहते हैं यस, ये हमारा फॉर्म डायरेक्टली क्लोज हो गया। तो हम एक बने बनाए विजर्ड की मदद लेते हुए फॉर्म्स क्रिएट करते हैं और उन फॉर्म के ऊपर जब ये बटन्स यानी नेविगेशन बटन्स और तमाम कॉमन बटन अप्लाई हो जाते हैं तो इस फॉर्म की जो ब्यूटी है वो और भी डेफिनेटली अच्छी हो जाती है।